देख सकते हैं कि ट्रेन से उतर के जो ड्राइवर है खुद यहाँ पर फाटक को बंद कर रहे हैं, और फाटक को बंद करने के बाद यहाँ पर ट्रेन को खोला जाता है। भैया, ट्रेन का फाटक आप खुद बंद करते हैं तो बंद कर रहेंगे, यहाँ कोई गार्ड नहीं है क्या कि फिर से ट्रेन को फाटक से आगे बढ़ने के बाद रोका जाएगा और फिर से एक शख्स जो है इसमें से निकलेंगे, फाटक को बंद गिराते हैं। यहाँ रेलवे फाटक पर कोई शख्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब माइक क्यों लगा रहे हैं? माइक हाथ क्यों लगा रहे हैं? आप जाइए ट्रेन में जाइए, आप अपना काम कीजिए, जाके हमसे आप बहस मत कीजिए। दोस्तों, बिहार का एक ऐसा ट्रेन जो बैलगाड़ी की तरह चलता है, और अभी हम बिहार के सिवान जिले के महाराजगंज में हैं। हमारे सामने जिस ट्रेन को आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि ट्रेन यहां पर आ चुका है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ट्रेन यहां पर आने के बाद जो रेलवे फाटक है वो किसी गार्ड के द्वारा नहीं, बल्कि ट्रेन में बैठे जो ड्राइवर है वो खुद ट्रेन से उतर कर यहां के फाटक को गिराते हैं, और उसके बाद फिर जो है ट्रेन यहां से खुलता है। बाकी आप देख सकते हैं कि यहां पर ट्रेन आ चुका है, और आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि बिहार में किस तरीके का अजूबा जो है रेलवे फाटक है, जहां पर कोई गार्ड नहीं रहते हैं बल्कि ट्रेन के जो ड्राइवर है वो खुद ट्रेन को रोक रहे हैं। और ट्रेन को रोकने के बाद आप देख सकते हैं कि वहां से एक शख्स जो है वहां से निकल रहे हैं, और वहां से वो आने के बाद यहां पर जो फाटक बना हुआ है उस फाटक को गिराएंगे, और उसके बाद फिर जो है ट्रेन को यहां से खोला जाएगा। भैया, ट्रेन का फाटक आप खुद बंद करते हैं तो बंद कर रहेंगे? यहां कोई गार्ड नहीं है क्या? गार्ड वार्ड यहां पे नहीं है क्या? मतलब डेली आप लोग खुद ही फाटक को बंद करते हैं? देख सकते हैं कि ट्रेन से उतर के जो ड्राइवर है खुद यहाँ पर फाटक को बंद कर रहे हैं, और फाटक को बंद करने के बाद यहाँ पर ट्रेन को खोला जाता है। यानी कि अभी तक आपने देश में बहुत सारा ट्रेन को देखा होगा, लेकिन शायद ऐसा रेलवे फाटक नहीं देखा होगा जहाँ पर ड्राइवर जो है खुद उतर के ट्रेन के फाटक को बंद गिराते हैं, और उसके बाद जो है ट्रेन को फिर से खोला जाता है। ये रोज आप लोग ऐसे ही देखते हैं? जी, ऐसे ही होता है रोज। तो यहाँ कोई गार्ड वगैरह नहीं रहते हैं? नहीं नहीं, गार्ड नहीं रहते। क्यों गार्ड नहीं रहते हैं? पता नहीं, हमेशा ऐसा ही होता है। हाँ, ऐसा ही होता है। देख सकते हैं कि ट्रेन के फाटक को कहीं ना कहीं गिराने के बाद में ट्रेन को फिर से वहां पर खोला गया है, और जैसे ही ट्रेन जो है एक छोर से दूसरे छोर पार कर जाएगी उसके बाद फिर से ट्रेन को रोका जाएगा, और ट्रेन से एक शख्स जो है वो निकल कर आएंगे, और उसके बाद जो है ये फाटक को बंद किया जाएगा। और कहीं ना कहीं इस तरीके का आपने रेलवे फाटक बहुत कम देखा होगा, हालांकि बिहार में जो है महाराजगंज में इस तरीके का आपको अजूबा जो है रेलवे फाटक देखने को मिलेगा। देख सकते हैं कि फाटक गिराने के बाद जो है उसमें ड्राइवर चढ़ गए हैं, और फिर से ट्रेन को यहां से स्टार्ट किया गया है, और ट्रेन आगे की तरफ बढ़ रहा है, और जैसे ही यहां से ट्रेन जो है दूसरे छोर में जाएगा फिर से फाटक को जो है वो कहीं ना कहीं खोल दिया जाएगा। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ट्रेन जो है, ये एक और इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये रेलवे स्टेशन नहीं है, फिर भी यहाँ पर जो लोग जो हैं इकट्ठा हुए हैं, और यहाँ रेलवे फाटक के पास से लोग ट्रेन में बैठेंगे। आप लोग रेलवे स्टेशन नहीं जाते हैं क्या? जाते हैं, क्लास छूटने के डर से यहीं पे आ जाते हैं। तो यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर रेलवे स्टेशन है, फिर भी आप लोग रेलवे फाटक के पास से ही ट्रेन में क्यों बैठते हैं? जाते जाते ट्रेन आ जाती है यार। जाते जाते आ जाती है। टिकट वगैरह लेते हैं कि नहीं? लेते हैं लोग। बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी जो यात्री हैं यहाँ रेलवे फाटक के पास में खड़े हैं, और जैसे ही यहाँ पर ट्रेन रुकेगी ये सारे लोग यहाँ से चढ़ जाते हैं। हालांकि स्टेशन को लेकर हम बात करें तो यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर महज महाराजगंज का जो है वो रेलवे स्टेशन है, लेकिन लोग जो है फाटक के पास से ही चढ़ते हैं। बाकी आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि फिर से ट्रेन को फाटक से आगे बढ़ने के बाद रोका जाएगा, और फिर से एक शख्स जो है इसमें से निकलेंगे, और वो कहीं ना कहीं जो बैरिकेडिंग लगा हुआ है इसको फिर से उठाएंगे, और उसके बाद फिर वापस जो है वो ट्रेन चलेगा। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर फिर से दोबारा जो है वो ट्रेन को रोका जा रहा है, और उसके बाद ये फाटक को कहीं ना कहीं उठाया जाएगा। अब ट्रेन को जो है फाइनली कहीं ना कहीं रोक दिया गया, और उसमें से एक शख्स निकल रहे हैं, और वो शख्स जो है अब आएंगे और ट्रेन का जो फाटक है, यानी कि इस तरीके से अगर देखा जाए तो हर रोज यहां पर देखने को मिलता है। उठाएंगे तो फाटक को आप उठाते हैं? यहाँ कोई गार्ड वार्ड नहीं है क्या? गार्ड होगा, लाइन बन रहा है। आपने ऐसा कभी रेलवे फाटक देखा है? देखा है। हाँ, ये बिहार में ही देखने को मिलता है? नहीं, यूपी में। इसके में किसका लापरवाही है? लापरवाही के किसी की नहीं है। आप स्टेशन नहीं देख रहे हैं? स्टेशन बगल में, लेकिन यहाँ रेलवे फाटक पर कोई शख्स होना चाहिए। अब माइक क्यों लगा रहे हैं? आपसे हम बदतमीजी किए हैं?
आपसे हम बात कर रहे हैं कि कर रहे हैं क्या बदतमीजी की? अब बार बार स्टेशन गेट पे आ रहे हैं ना। गेट पे क्या आ रहा है? आप जाइए ट्रेन पे, जाइए ट्रेन में जाइए। आप अपना काम कीजिए, आप अपना काम कीजिए जाके, हमसे आप बहस मत कीजिए। क्या महातारी बाप चल रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं यहाँ? जो समस्या हो रहा है उस चीज को हम दिखा रहे हैं। आप जाइए अपना ड्यूटी कीजिए, ड्यूटी कीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो शख्स है, जिस तरीके से वो ट्रेन से निकलकर कहीं ना कहीं जो यहाँ पर जो फाटक लगा हुआ है उसको उठाए हैं, उसके बाद जब हम उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि यहाँ ही ऐसा होता है, तो हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। जाइए, बाकी आप देख सकते हैं कि बिहार का अजूबा रेलवे फाटक है, जहाँ पर ट्रेन में बैठे जो शख्स है वो खुद उतर के ट्रेन के फाटक को खोलते हैं, और जैसे ही ट्रेन यहाँ से पार कर जाता है उसके बाद वो फाटक को फिर से उठा देते हैं। और कहीं ना कहीं इस तरीके का तस्वीर जो है आप इससे पहले नहीं देखे होंगे। कुछ लोगों से भी हम बात कर लेते हैं। चाचा, ऐसा आप लोग देखे हैं कभी अभी तक? बहुत परेशानी हो रहा होगा, लेट भी हो जा रहा होगा ट्रेन जाने होने में। यहाँ गार्ड होना चाहिए कि नहीं? गार्ड होना चाहिए, होना चाहिए। और यहाँ हमेशा ताला लगा रहता है, कोई गार्ड नहीं रहता है? नहीं रहता है। इसमें किसका लापरवाही मानते हैं आप? वो रेल वाले का है। रेल वाले का है। तो ये समस्या कब से है यहाँ पर? बहुत दिन, जब से चल रहा है तब से है। जब से चल रहा तब से समस्या है। तो किसी का यहाँ पर ध्यान नहीं जाता है? कोई रेल अधिकारी नहीं आते हैं यहाँ देखने के लिए कि कोई यहाँ गार्ड है कि नहीं फाटक खोलने? नहीं 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 आते हैं। अब देखिए, रेलवे फाटक का जो ये गेट है, जहाँ पर एक गार्ड के लिए जो कमरा बनाया जाता है, इस पे ताला लटका हुआ है, और यहाँ कोई शख्स नहीं है क्या? भैंसिया फाटक खोलने के लिए यही भैंसी को यहाँ पर लगाया गया? नहीं नहीं, गार्ड उतरता है सर। गार्ड उतरता है जी। अच्छा, तो ये हमेशा आप लोग को ऐसा देखने को जी है? ऐसा ही रहता है हमेशा। अच्छा, एनी टाइम लोग ये भी कोई रेलवे अधिकारी आएंगे जांच करने, तब ना उन लोगों को पता चलेगा। यहाँ पे जांच होता ही नहीं है तो कोई रेलवे अधिकारी नहीं आता? नहीं। अच्छा, मान लीजिए जिस तरीके से ट्रेन को आके यहाँ पर रोका जा रहा है, उससे कुछ समय का तो कहीं ना कहीं लोग का जो समय है वो फालतू में जा रहा, ट्रेन भी लेट होता जी? जी, वो तो होता है हमेशा। आपको जाना होगा यहाँ से कहीं दूर, तो वो ट्रेन तो लेट होता होगा ना? जी, होता है, होता है। कई जगह पे रुकता है? यहाँ ही रुकता है कि और भी? धुरौंदा से 5-6 जगह रुकता है। धुरौंदा से मतलब 5-6 जगह इस तरीके से रोक के जो ट्रेन में जो बैठे ड्राइवर होते हैं वो खुद आके फाटक गिराते हैं फिर बंद करते हैं। पीछे के आगे के ड्राइवर खोलते हैं और गार्ड साहब पीछे के बंद करते हैं फिर खोलते हैं। आगे ट्रेन के ड्राइवर जो है वो फाटक को बंद करते हैं और फिर उसके बाद गार्ड साहब खोलते हैं। अच्छा, एक और सवाल ये भी किया जा रहा है कि ट्रेन में खासकर लोकल जो ट्रेनें हैं वहाँ गांव के जो आसपास के लोग होते हैं वो ट्रेन में टिकट नहीं लेते हैं, इसके कारण रेलवे को नुकसान हो रहा है? सर, रेलवे को नुकसान हो रहा है तो जांच करेगा टीटी तब ना? टीटी जांच करना चाहिए। हाँ। जी, टीटी जांच, कौन टिकट लिया है इसका जांच कीजिए, उसके बाद ट्रेन टाइम पे कम से कम चलना चाहिए। जी, टीटी जांच करेगा तो खुद ही लोग कटाएगा। हाँ। फाइन मारेगा टीटी। हाँ। तुरंत कल से कटाना चाहिए। बाकी बहुत सारे लोग देखकर ये भी सोच रहे होंगे कि इससे रेलवे को नुकसान हो रहा होगा, क्योंकि आसपास के जो गांव के लोग होते हैं उसमें से बहुत ही कम लोग होते हैं जो टिकट लेते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों का ये भी कहना है कि अगर ट्रेन के अधिकारी जो है इसमें कहीं ना कहीं एक्शन लेंगे, अगर जाँच होगा तो उसके बाद भी जो है लोग जो है कहीं ना कहीं टिकट लेके ट्रेन पर बैठेंगे। और एक और इसमें बात ये है कि यहाँ पर रेलवे फाटक को जो आप देख रहे हैं, यहाँ ट्रेन जब रुकती है तो यहाँ से भी बहुत सारे जो लोग हैं वो ट्रेन में बैठे हैं। हालांकि स्टेशन की जो दूरी है यहाँ से महज 10 कदम है, 100 मीटर की दूरी पर स्टेशन है। फिलहाल इस रेलवे फाटक को देखकर और इस ट्रेन के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।